कितना रुकना पड़ेगा? पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे क्या आनी सब... चाहिए? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काहे का काम? सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है, पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं, घर का खर्चा कैसे चलेगा? देख पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, भुगत का खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3,000, ब्याज की रकम 3,600, टोटल 6,600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। अब चुका दिया है तो जा तारीफ कर। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चल चलता हूँ अभी। हमरे कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। अमर तेजा, छेलापति, चिनम्मा। ए रुक, क्या बात करता है, इन सबके घर पे जाना पड़ेगा। पागल है क्या? पड़ेगा। राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। लक्ष्मी मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है।